मेरी वीडियोस को बेहतर क्वालिटी में देखने के लिए इस बटन को क्लिक करें, क्वालिटी के बटन को क्लिक करें और डिजायर्ड क्वालिटी जो है उसे सेट कर लें। अगर आप पीसी से यूज़ कर रहे हैं तो सेटिंग्स में जाएं, क्वालिटी को क्लिक करें और एचडी क्वालिटी जो है उस पर व्यू करें। सलाम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू नान खताई। तो नान खताई पे आज बनने जा रहे हैं पोटैटो डोनट। तो वीडियो एंड तक देखिएगा क्योंकि मैं बहुत सारी टिप्स आपको साथ साथ बताऊंगी जिससे आपके डोनट्स जो हैं वो बिल्कुल क्रिस्पी बनेंगे और बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। तो चलें स्टार्ट करते हैं कि इसको बनाना कैसे। जी तो इसके लिए जो चीज़ें आपको चाहिए उसमें सबसे पहले आपको चाहिए पोटैटो यानी कि आलू। 3 अदद मैंने लिए हैं, इनको बॉईल करके इसको श्रेड कर लिया यानी कि कद्दूकश कर लिया। हार्ड बॉईल करना, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बॉईल इसको नहीं करना, तो इसे कद्दूकश कर लेंगे। मीडियम प्याज लेंगे 2 अदद यानी कि अनियंस 2 अदद, इसे भी श्रेड कर लिया। श्रेड करके कद्दूकश करके इसका जो एक्सेस पानी है उसे यूँ हाथ में रख के यूँ स्क्वीज करेंगे और जो भी उसका एक्सेस पानी है उसको निकाल लेंगे, बाकी का जो है इसके अंदर रख लेंगे। इसके अलावा नमक चाहिएगा हसबे जायका, चाट मसाला जाएगा 1/2 टीस्पून, 1/2 टीस्पून से 1 टेबलस्पून तक आप ले सकते हैं अपने टेस्ट के मुताबिक। 1/2 टीस्पून जो है यानी कि 1/2 टीस्पून जो है चिली पाउडर जाएगा, रेड चिली पाउडर यानी कि सूखी मिर्च का पाउडर। ब्लैक पेपर पाउडर जाएगा 1 टीस्पून, 1 अंडा जाएगा, ग्रीन कोरिएंडर जाएगा यानी कि सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें जाएंगी 3 से 4 अदद। मैदा यूज़ करेंगे 3 टेबलस्पून और ब्रेड क्रम यूज़ करेंगे हसबे जायका। तो चलिए देखते हैं कि हम लोगों ने इसे बनाना किस तरह से। तो सबसे पहले मिक्सिंग बाउल में हम लोग डालेंगे पोटैटोज जो श्रेडेड थे, इसको डाल देंगे। इसे अच्छे से ग्रेट किया हुआ हम लोगों ने, साथ ही इसके अंदर ग्रेटेड प्याज डाल देंगे यानी कि कद्दूकश की हुई प्याज, जिसका आप लोगों ने पानी जो है अच्छी तरह से स्क्वीज करके निकाल लेना। पानी होगा तो आपके डोनट्स जो हैं वो टूटेंगे, तो इस चीज़ का आपने बहुत ध्यान रखना है कि पानी नहीं होना चाहिए इसके अंदर। सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें डालेंगे अच्छे से, ब्लैक पेपर पाउडर डालेंगे यानी कि काली मिर्च का पाउडर, नमक डालेंगे हसबे जायका, चाट मसाला डालेंगे, रेड चिली पाउडर डालेंगे यानी कि सूखी मिर्चों का पाउडर, मैदा डालेंगे जो 3 से 4 टेबलस्पून है, 1 अंडा जो हम लोगों ने लिया था उसे अच्छे से फेंट लेंगे, वो डालेंगे इसके अंदर। अंडा जो है वो बेसिकली बाइंडिंग का काम करेगा इसके अंदर यानी कि जो डोनट्स हैं उनको टूटने नहीं देगा। अब इसके अंदर ब्रेड क्रम्स डालेंगे थोड़े से ब्रेड क्रम्स डाल के इसको हम लोग मिक्स करेंगे। अब इसे आप लोगों ने चॉपर में मिक्स नहीं करना, वरना क्या होगा ये थोड़ा लिक्विडी हो जाएगा यानी कि थोड़ा ये जो है ज़्यादा चिपका चिपका सा हो जाएगा, पतला पतला सा हो जाएगा। इसे हाथों से ही मिक्स करेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको कि जो मसाला जाते हैं वो पूरे जो आपका बैटर है, बैटर तो नहीं करेंगे, सेमी डो की फॉर्म में जो है इसमें अच्छी तरह से सारे टेस्ट जो है वो मिक्स हो जाए, यानी कि ये ना हो कि एक बाइट में जो है वो आपको टेस्ट आ रहा हो और दूसरी साइड जो है वो बिल्कुल फीकी हो। तो इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे आप लोगों ने। अगर आपको ये बैटर जो है वो पतला लगे तो इसमें आप ब्रेड क्रम्स जो हैं वो और ऐड कर सकते हैं। आपने इसे थिक फॉर्म में बनाने, अभी देखिए थोड़ा थोड़ा सा थोड़े थोड़े से थिक फॉर्म में है, लेकिन हम लोग इसके अंदर थोड़े से ब्रेड क्रम्स जो हैं वो और डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
थोड़ा सख्त आपकी ये डो होनी चाहिए ताकि ये बिल्कुल भी जो है वो टूटे नहीं। ये देखिए इतनी सख्त होनी चाहिए ये। कोकोनट्स की जो सेमी डो है पोटैटो की वो अच्छे से तैयार हो गई है। इसको हम लोग इस तरह से इकट्ठा करके एक जगह पर रख देंगे और अब हम इसके डोनट्स बनाएंगे। जी तो डोनट्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये हम लोगों ने जो इसकी सेमी डो फॉर्म में जो मिक्सचर था वो बना लिया, वो ले लिया। अंडे हमने लिए 2 अदद। उसके अंदर हम लोगों ने 1 चुटकी जो है वो ब्लैक पेपर पाउडर, 1 चुटकी जो है वो नमक और 1 ही चुटकी जो है हम लोगों ने रेड चिली पाउडर यानी कि सूफ मिर्च का पाउडर लिया था और उसे अच्छे से फेंट दिया था। ठीक है, ब्रेड क्रम्स लिए हैं हम लोगों ने। तो चलिए देखते हैं हम लोगों ने इसको शेप कैसे दिया। तो डोनट्स बनाने स्टार्ट करेंगे इस तरह से। बैटर लेंगे, सर्कल्स की फॉर्म में करेंगे और इसे थोड़े से इस तरह से चिपटा कर लेंगे। जहाँ से आपको लगे कि ये टूटने वाला है वहाँ से आप इसको थोड़ा सा इस तरह से शेप दे लें। इस तरह से इसकी जो शेप है, जो साइड्स हैं उसको सिक्योर कर लें। अगर इस तरह से आप सिक्योर नहीं करेंगे तो क्या होगा कि वहाँ से जो फटी हुई साइड है उधर से ऑयल अंदर जाएगा और वो फिर जो इसके है वो डोनट्स को जो है वो तोड़ देगा। तो इस तरह से आपने इसकी शेप को जो है वो फ्लैट कर लेना है। इस तरह से जब आप फ्लैट कर लेंगे ये शेप बना दी, इस तरह से फिंगर ली, उसे ऑयल लगा के आपने इस तरह से बिल्कुल सेंटर में जो है इस तरह से होल बना देंगे। ठीक है, इसे साइड से जो है हम लोग इस तरह से सिक्योर करते रहेंगे। होल हम लोग थोड़ा बड़ा इसलिए बना रहे हैं क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये सिकुड़ के छोटा हो जाएगा। तो थोड़ा सा आपने साइज में जो है वो होल बड़ा रखना है। जो इसकी साइड है उसको सिक्योर कर लेंगे अच्छे तरीके से इस तरह से, इसे इवन आउट कर लेंगे। कहीं से भी जो है वो फटा हुआ नहीं होना चाहिए वरना क्या होगा कि ऑयल अंदर जाएगा और ये फट जाएगा। इस तरह से किनारे इसके अच्छे से स्मूथ कर लेंगे। ठीक है, इसे हम लोगों ने स्मूथ कर लिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम लोग अंडे में डिप करेंगे। ठीक है, अच्छे से जो है वो अंडे में कोट करेंगे। अब जिस हाथ से अंडा लगाया है उस हाथ से नहीं, हम लोग दूसरे हाथ से जो है वो इसके ऊपर क्रम्स लगाएंगे। इस तरह से जो है वो आपका हाथ जो है उस पर क्रम्स जो है वो नहीं चिपकेंगे। इस तरह से लगा के इसको हम लोग प्लेट में रखते जाएंगे। इसी तरह से हम लोग सारे डोनट्स हैं वो तैयार कर देंगे। तो डोनट्स को शेप दे दी है हम लोगों ने। अब हम क्या करेंगे कि इसको फ्राई करेंगे। अच्छा जी, तो ऑयल को हम लोगों ने हीट कर लिया है मीडियम आंच के ऊपर। तो मीडियम आंच पे इसे हीट करने के बाद हम लोग आंच जो है वो धीमी कर देंगे और इसके अंदर जो डोनट्स हैं हम उनको फ्राई करेंगे। ज़्यादा डार्क कलर नहीं चाहिए हमें, लाइट से गोल्डन कलर जो है हम लोगों को चाहिए।
जैसे ही ये दोनों साइड से ब्राउन हो जाएंगे हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। इस तरीके से हम लोग सारे ब्राउन कर लेंगे, जो स्लो कुकिंग करेंगे ताकि जो है अंदर का जो मैदा और अंडा है वो अच्छी तरीके से पक जाए। तो अबाउट 5 to 6 मिनट लगेंगे इसे फ्राई होने में। अगर आप मेरे चैनल की कोई भी वीडियो मिस नहीं करना चाहते तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आप मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन पाएँ सबसे पहले। अच्छा जी, तो इसे फ्राई करने के बाद इसे निकाल लिया, हम लोगों ने डिश आउट कर लिया। देखें ये कितने क्रिस्पी बने हैं, और ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा कि कैसे बने हैं। बहुत इजी मैंने आपको टिप्स बता दी हैं जिससे आपके डोनर्स जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे और बहुत क्रिस्पी बनेंगे। तो ज़रूर बनाएं और बताएंगे कैसे बने हैं। मैं जो इंस्टाग्राम का लिंक है वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, और बना के आपने क्या करना है इसकी पिक्चर लेके मुझे इंस्टाग्राम पे सेंड करनी है ताकि मैं इसे अपनी स्टोरीज पे लगा सकूँ। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस आइकॉन पे क्लिक करके आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं।